हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आपका स्वागत है मेरे किचन पे। आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूं, वो है छोलों की रेसिपी। इस रेसिपी में मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूंगी बिल्कुल भी, और आपको साथ साथ छोले को अच्छा बनाने के कुछ टिप्स भी बताऊंगी। और छोले जो है हम सभी को बहुत पसंद आते हैं, इसको हम पूरी, नान, भटूरे और इवन राइस के साथ खाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये छोले बॉईल कर रखे हैं और इसको बॉईल करने के लिए लोग इसमें अक्सर बेकिंग सोडा या टी बैग का यूज़ करते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने इसमें अनार के छिकल डाले हैं। ये देखिए, जब मैंने छोले बॉईल किए थे उस पर मैंने 2 छोटे टुकड़े अनार के छिकल डाले थे। आप चाहें तो अनार के सूखे छिकल भी घर पर रख के डाल सकते हैं। और मैंने इस पर डाला था 1 चुटकी नमक और 2 ग्लास पानी। और मैंने फिर छोले उबाल लिए थे, पहले 1 सीटी दी थी, फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके मैंने 5 विसल आने दिया था, और जब प्रेशर निकल गया था मैंने छोले निकाल लिए थे। तो इसका कलर इस तरीके से हो गगया, और इसका पानी ना फेंके। मैंने 3 बड़े प्याज ले रखे हैं, 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ले रखी हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक ले रखा है, और इन 3 का मैंने अच्छे से बारीक पेस्ट इस तरीके से बना लिया है। मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले रखा है, धनिया पत्ता ले रखा है गार्निश के लिए, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रखा है, और आप चाहे तो अभी ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर बच्चों के लिए बनाएं तो ग्रीन चिली का यूज़ ना करें। मैंने 1 बेलीफ ले रखी यानी तेज पत्ता, 2 मैंने लौंग ले रखे यानी क्लोव्स, मसालों में मैंने ले रखा है नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और 1 चम्मच छोले मसाला। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, और इसको हाई फ्लेम में मैंने ये कढ़ाई चला ली है, आप चाहे तो कुकर भी रख सकते हैं। और फिर मैं ये 2 चम्मच इस पे मस्टर्ड ऑयल डाल लूँगी, और इसे हाई फ्लेम पे हम सरसों का तेल गरम होने देंगे। जैसे ही सरसों का तेल गरम हो गया है, देख सकते हैं आप, इसका फ्लेम आप मीडियम कर लीजिए और इस पे 1 बेलीफ डाल दीजिए। इसे 1-2 सेकेंड के लिए हिला लीजिए। इसके बाद मैं इस पे ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से तेल के साथ मिक्स करूंगी, और आप कंटिन्यूस इसको हिलाते रहिए, वरना जो आपका ये पेस्ट है ये एकदम तला पकड़ लेगा कढ़ाई में। इसको हिलाते रहिए, और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक जो हमारा ये पेस्ट है ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। जब ये पकेगा तो एकदम इसका आधा हो जाएगा, ये जितना मैंने आपको दिख रहा है इसका कम हो जाएगा, और एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1/2 चुटकी नमक डालूंगी ताकि जो प्याज है वो अपना मॉइस्चर छोड़ दे और वो इजीली पक जाए। फिर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे 2-3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जो मसाला है वो कितना रिड्यूस हो चुका है हाफ पे, और प्याज का और अदरक का और लहसुन का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह पक गया है, एकदम हाफ हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पे इस पर डालूंगी 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और फिर इसको अच्छे से मिला लूंगी। इस समय जब भी आप मसाले डालें गैस का फ्लेम लो रखें ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और तले पे ना चिपकें। इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए हम हिलाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और अपना सारा फ्लेवर दे दें। ये देखिए जो मसाला है वो भी जो प्याज लहसुन और अदरक की ग्रेवी इसके साथ अच्छे से पक चुका है, उसने सारा तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक और डालूंगी क्योंकि हमने छोले बॉईल करते समय भी नमक डाला है, और जब हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट जब हमने तेल में डाला उसमें भी नमक डाला है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नमक डालूंगी। अब मैं ये 2 लौंग को इस पे कूट लूंगी और इसका बारीक पाउडर बना लूंगी, दरदरा पाउडर। लौंग से छोलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसको भी आप एक बार ये वाली ट्रिक ट्राई करके देखिए। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये छोलों पे डाल दूंगी और इसको 1-2 सेकंड पे हिला लीजिए। अब हम इस पे डालेंगे ये हमारे बॉइल्ड छोले, और अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है, और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे टमाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है।
अब यहाँ पे मैं डालूँगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा डालेंगे धनिया पत्ता और मैंने इसमें एडिशनल पानी बिल्कुल नहीं डाला है, जो छोले का बॉयल करते समय जो पानी था स्टॉक रखा था मैंने वो ही डाला है, लेकिन मैं इसमें आधा ग्लास गुनगुना पानी और डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके और पकाऊंगी। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे छोले अच्छे पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच छोले मसाला। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोले मसाले में गरम मसाला ऑलरेडी होता है इसलिए मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए छोले कितने अच्छे गले हैं, एकदम पिचक रहे हैं। अब छोला मसाला डालने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। धनिया पत्ता मैंने और डाल दिया है, इसको अब मैं कवर कर लूंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। आइए अब इसकी प्लेटिंग करें। मेरे गर्मा गर्म छोले की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैप्पी कुकिंग गाइज़।